हेलो एवरीवन, एचटेट 2023 वालों के लिए न्यूज़ है। सबसे पहले तो जो बहुत ज़्यादा परेशान थे बच्चे आरएलवी रिज़ल्ट को लेके, उनका सलूशन हुआ है। जो रिज़ल्ट है वो दोबारा अपडेट किया गया है, तो अभी अपना वो जो रिज़ल्ट है वो दोबारा चेक करना, हो सकता है आपका सलूशन हो गया हो। देखो यहाँ पे बिल्कुल नए सिरे से जो लिंक है वो दिया गया है, तो आप एक बार दोबारा चेक करना जिनका भी आरएलवी रिज़ल्ट था। और जो कल लिस्ट आई थी बायोमेट्रिक पेंडिंग लिस्ट, उसमें आपका नाम नहीं था, तो आप एक बार रिज़ल्ट दोबारा चेक करना। कल रात से कुछ बच्चों का अपडेट हुआ है रिज़ल्ट, और अगर नहीं हुआ होगा तो कॉन्टैक्ट करके कोशिश करेंगे एक बार दोबारा, अपडेट हो जाएगा शाम तक या कल तक, जिनका लिस्ट में नाम नहीं है। और जिनका बायोमेट्रिक पेंडिंग लिस्ट में नाम है वो बायोमेट्रिक करा के आना, उसके बाद आपका जो रिज़ल्ट है वो आएगा, ठीक है। उसके बाद जो नोटिस आया है, ये यूएमसी बनी थी जिन कैंडिडेट्स की एचटेट 2023 में, उनके लिए नोटिस है। ये तो लिस्ट है उन बच्चों की जिनको यूएमसी थी, और ये एक नोटिस आया है 26 तारीख को इनको बुलाया गया है बोर्ड में, जिनकी यूएमसी बनी थी, ठीक है। उनको 26 तारीख को जाना है अपनी, अगर उनके पास कैंडिडेट कॉपी वगैरह है तो वो ले जाना। और ये देखिए 26/12 को 10 बजे भिवानी बोर्ड में उनको बुलाया गया है सुनवाई के लिए, जिनकी यूएमसी बनी थी। तो ये नोटिस थे आपके लिए, और जिनका आरएलवी आया है वो एक बार रिज़ल्ट दोबारा चेक ज़रूर करें, अब करें या शाम तक कर सकते हैं, जिनका लिस्ट में नाम नहीं है। और जिनका लिस्ट में नाम है वो तो अपनी बायोमेट्रिक ही करा के आएँ।